So what is up guys, welcome back to another vlog, welcome back to another day and I hope you're doing absolutely fine. मेरे हिसाब से ना ये वाला जो vlog है ना बहुत जमाने के बाद मैंने DSLR को हाथ में पकड़ा है और उसके बाद vlog shoot कर रहा हूँ. एंड अगर सामने से देखा जाए तो कुछ ऐसा दिख रहा है तो मैं इस एंगल पे जाऊँगा, ज़्यादा प्रेफर करूँगा. Although यहाँ पे मेरा हेलमेट रखा हुआ है जिसका कि ये जो वाइजर है ना वो टूट गया है. दरअसल हुआ क्या था ना कि मतलब इसमें साइड में लगे रहते हैं लॉक्स एंड लॉक जब टूट गए तो फिर ये जो वाइजर है मेरा एकदम फ्री हो गया है, मतलब ऊपर होल्ड ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे को व्लॉगिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी. क्योंकि जब मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा था तो वाइजर अपने आप नीचे आ जा रहा था एंड जिसकी वजह से मेरी जो आवाज़ है ना वो दब दब के आ रही थी. अभी क्या करता हूँ कि नीचे जाता हूँ एंड वहाँ पे अपनी तीनों बाइक्स खड़ी हैं, एज फॉर CBR है, पल्सर है एंड रेडर है. एंड वहाँ पे टॉस करेंगे हम लोग जाके एंड देखते हैं कि कौन सी बाइक पे गिरता है टॉस एंड उस वाले बाइक को उठाएंगे एंड फिर राइड पे हम लोग निकलेंगे. तो फिलहाल स्विच करता हूँ नीचे की तरफ एंड नीचे से मैं आपसे कनेक्ट करता हूं. अभी मैंने अपने YouTube कमेंट सेक्शन पे पढ़ना शुरू ही किया था कमेंट्स, तो मेरे को ये देखा कमेंट में कि बाइक की फर्स्ट सर्विस, TVS Raider की फर्स्ट सर्विस के बाद बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर व्लॉग बनाओ. तो भाई अभी मैं टॉस का जो सिलसिला था ना उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करता हूं नेक्स्ट व्लॉग के लिए. उससे पहले मैं इस बाइक को उठाता हूं, यानी कि TVS Raider को उठाता हूं, उस वाले बाइक से मैं आपसे कनेक्ट करता हूं. आज आपको बताने वाला हूं कि TVS Raider फर्स्ट सर्विस के बाद कैसे परफॉर्म कर रही है. ऑल्दो मैंने फर्स्ट सर्विसिंग करा ली है एंड मेरी जो बाइक है ना वो अप्रॉक्स 700 किलोमीटर के आसपास चल गई है. तो फिलहाल मैं TVS Raider पे जाता हूँ एंड वहाँ से स्विच करके आपसे कनेक्ट करता हूँ. Well guys, currently I have CBR on my left hand side and my pulsar is on my right hand side. And सबसे आगे फ्रंट लाइन में देखोगे ना तो अपनी रेडर खड़ी है. क्या हुआ था ना, कल की मैं छत पे था एंड छत से शायद से एक गिट्टी गिर गई जो कि यहाँ पे स्क्रैच ले आई है, टंकी पे ही डायरेक्ट गिरी. उस बाइक को स्टार्ट किया जाए, थोड़ी सी बाइक को वार्म अप होने के लिए छोड़ता है एंड उसके बाद वापस से मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ. सो गाइज, नाउ टॉकिंग अबाउट My न्यू Raider 125 आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अपनी बाइक है ना वो 641 किलोमीटर डन कर चुकी है एंड मैंने इस पर एक लॉन्ग जर्नी भी किया है, लॉन्ग टूर भी करा है एंड उसके बाद बाइक की पहली सर्विस भी हो चुकी है. आज वाले इस ब्लॉग में ना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा TVS Raider के बारे में. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बाइक कैसा परफॉर्म करती है हाईवे पे. तो आई ऑल्सो ओन अ CBR 250, मैं आपको बता दूँ जनरल नॉलेज के लिए. तो CBR 250 अगर आप चला रहे हैं एंड उसके बाद आप रेडर पे जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको पावर ड्रॉप थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फील होने वाला है. तो वो चीज़ मैंने फील करा है TVS Raider पे, क्योंकि इस बाइक को ना मतलब 80 से ऊपर अगर आप लेके जाओगे तो थोड़ी बहुत डिसकम्फर्ट प्रोवाइड कर सकती है बाइक. ऑल्दो ये बाइक 100 पे भी जाती है तो वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस करती है, हैंडल बार वगैरह पे कहीं पे भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, वो इस बाइक की प्लस पॉइंट है. बट लैकनेस ऑफ पावर वो चीज़ आपको फील होने वाला है जब आप 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉस करोगे तो. एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बाइक को जिस हिसाब से बनाया गया है वो बनाया गया है मतलब शॉर्ट हाइटेड राइडर्स के लिए, मतलब अंडर 6 feet राइडर अगर हैं आप तो आपके लिए बाइक परफेक्ट है. बट अगर आपकी शरीर चौड़ी है एंड आप ठीक ठाक हाइट होल्ड करते हो, जस्ट लाइक मी आई स्टैंड फॉर 5'10" एंड मतलब ठीक ठाक चौड़ाई है मेरे शरीर में, तो थोड़ी सी जो बाइक है ना मतलब आपको फील होगी कि थोड़ी सी हाइट रहनी चाहिए सीट में. अगर आप सीट पे बैठे हो तो आपके पैर पूरी पूरी आराम से नीचे जाएगी, ये तो एक प्लस पॉइंट भी है. अगर आप टॉल हैं तो फिर ये थोड़ी सी नेगेटिव बात भी हो सकती है कि पूरा पूरा पैर आपका आप ज़मीन पर रख के खड़े हो जाओगे. एंड मैंने एक्सपीरियंस ये भी करा है हाईवे पे कि इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बेहतरीन है एंड इस बाइक की जो पिकअप है ना वो बहुत ही अमेजिंग है. आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप 125 सीसी के बाइक को भगा रहे हैं. जैसे कि मैंने पल्सर 150 भी चलाया है एंड उसको भी भगाया है मैंने हाईवे पे, तो दोनों बाइक में मेरे को कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिला. पल्सर 150 भी उसी तरीके से स्पीड पकड़ती है जैसे ये बाइक पकड़ रही थी, मतलब कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों बाइक में. एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा रेडर के बारे में कि इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. वैसे तो अभी मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूँ, अगर मैं अभी सेकेंड गियर पर आके इसका थ्रॉटल दूँ देखो ऐसे, तो मतलब बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स निकाल के देती है TVS Raider. यानी कि TVS की जो बाइक है रेडर ना वो मतलब परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अव्वल दर्जे की है. एंड भाई साहब आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है ना वो अल्टीमेट है. मेरी बाइक है रेड कलर की रेडर जो कि अभी थोड़ी सी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, कलर ही आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है. तो इसका जो रोड प्रेजेंस आता है ना रोड पे, मतलब लोग जब पूछते हैं कि कौन सी बाइक है भैया अपाची है क्या, फिर बोलते हैं कि अपाची नहीं लग रही है, फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई 125 सीसी की बाइक है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है. बोलता है कि एटलीस्ट या 150 सीसी की बाइक है, आप झूठ बोल रहे हैं. मैंने बोला कि भाई मैं क्यों झूठ बोलूँगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया ना अभी का, इसको स्किप करता हूँ. एंड ऑल्दो मैं आपको बता रहा था कि इस बाइक की रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. मैं बाइक के परफॉर्मेंस से पहले मैं आपको मैकेनिक्स के परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा जो कि TVS के द्वारा इसका सर्विसिंग करा गया है. वहाँ के मैकेनिक्स के परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को मतलब आई गेस कि 700 रुपीज़ चार्ज करा था
₹330 इंजन ऑयल का, एंड फिर पता नहीं इंजेक्टर डाले हैं, फिर नाइट्रोजन डाले हैं, फिर चैन स्पॉकेट साफ करा है, फिर चैन ल्यूब्रिकेशन करा है, ये सब जोड़ जोड़ के ₹700 वैसे तो बिल में आया, एंड मेरे को पे करना पड़ा ₹731 क्योंकि इसमें नट वगैरह भी कहीं से गिरा हुआ था। तो आप ये बताओ मेरे को कि जो फर्स्ट सर्विस होती है वो फ्री होती है, जाहिर सी बात है सबको पता है, बट ये जो चैन लुब्रिकेशन वगैरह है ये सब तो इंक्लूडेड होना चाहिए ना यार, अगर आप फर्स्ट सर्विस करा रहे हो तो ये सारा चीज़ इंक्लूडेड होना चाहिए। एंड दूसरी बड़ी बात, वहाँ के जो मैकेनिक्स थे ना उनमें मेरे को बुरा लगा कि जब से बाइक सर्विस हुई है, सर्विस होने के बाद यहाँ पे सर्विस लाइट जल रहा था जो कि मैंने जाके फिर ऑफ करवाया, ये जो बाइक का ब्रेक लीवर है ना उसमें झनझनाहट की आवाज़ थी। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि आपने किया क्या, ओवरऑल आपने सर्विस तो कर दिया बट ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो भाई ऐसे नहीं होता है, आपको ध्यान देना पड़ता है। ये मेरे गैराज में टीवीएस की पहली बाइक, एंड मैंने एक और टीवीएस की बाइक लेने की सोच रखी है, थोड़ी सी बड़ी 300cc सेगमेंट की बाइक होगी, आने वाले समय में अगर सब कुछ सही रहा तो वो भी आप देखोगे, तो फिर ऐसा परफॉर्मेंस अगर मिलेगा तो फिर आपके कस्टमर जाहिर सी बात है भागेंगे। अब बात करता हूँ सर्विसिंग के बाद इसके इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में एंड ओवरऑल बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इंजन है ना वो थोड़ा सा खुला खुला मेरे को महसूस हो रहा है, शुरू शुरू में मैं उतना खोल के चला भी नहीं रहा था, एंड बाइक का जो इंजन है ना उतना खुला खुला महसूस भी नहीं होता था, एंड जब से इसकी सर्विसिंग हुई है ना तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बाइक की जो इंजन है वो थोड़ी सी खुल गई है, एंड खुले बाजुओं से बोले कि भगाओ मेरे को जितना भगा सकते हो, तो मैंने इसको भगाया भी है हाईवे पे, एंड उसके बाद ना मतलब बाइक बहुत ज़्यादा फ्री चल रही है। वैसे तो ये लाइट वेट व्हीकल है ही ऑलरेडी, एंड उसके बाद अगर आप फर्स्ट सर्विस ले रहे हो उसके बाद जो बाइक परफॉर्म करेगी ना उससे आप बस अमेज होने वाले हो कि यार क्या टेक्नोलॉजी बनाई है टीवीएस वालों ने। और हाँ मेरे को ना इसके ब्रेक्स में कोई ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, आगे का जो ब्रेक का बाइट है वो पहले की तरह कम लगता है मेरे को, एंड पीछे का जो ब्रेक का बाइट है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी मैं तारीफ शुरू से कर रहा हूँ। आगे का जो ब्रेक का बाइट है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, जिस मार्क पे ये बाइक आ रही है उस मार्क पे आगे का ब्रेक है नहीं। आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग इस बाइक का जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, या तो उन्होंने टाइट किया होगा या तो फिर मेरे हिसाब से उन्होंने सस्पेंशन को टाइट ही किया होगा, क्योंकि अचानक से एक घंटे में सस्पेंशन के टाइट होने का कोई सवाल उठता है नहीं, तो टाइट उन्होंने किया होगा जाहिर सी बात है। अगर आप ऐसे भगाने लगे 125cc के बाइक को तो फिर सोच लो 150cc वाले शर्म के मारे बोलेंगे कि भाई आपकी 125cc ज़्यादा बेटर है। गाइस इसी के साथ का तो आज वाले ब्लॉग पे है एंड, आई होप आपको जो ब्लॉग था वो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपना प्रीशियस कमेंट देना ना भूले, वन मोर थिंग शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, एंड एक और चीज है कि टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।